हाय गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबके अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, और थोड़ा सा ये हिंदी पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। दो लेक्चर और होंगे इसके, दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं चल रहे हैं, 20 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के ऐसे लेक्चर चल रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज डिस्कस करेंगे हार्ट पे। कल देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, कल ब्लड वेसल्स पे डिस्कस किया था, आज हार्ट पे डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट के पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद में मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ब्लड का परिवहन होता है, कैसे ब्लड है इम्प्योर ब्लड है, शुद्ध होता है, शुद्ध ब्लड कैसे हार्ट में जाता है और किस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। कई बार ये होता है कि जैसे हम लिखते लिखते ऐसे पैसे लिख दिया, पैसे ये ऐसे लिख दिया, तो ये वो इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि छोटी मात्रा आ गई, बड़ी मात्रा आ गई, क्योंकि साइंस में ऐसे थोड़ा वो चलता रहता है। लिखते टाइम हो जाता है, मानवीय त्रुटियाँ होती हैं, छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं ये। तो पेशीय अंग बोले, मैं पेशीय अंग में, पेशी अंग का क्या मतलब? इसमें हार्ट में बोन प्रजेंट नहीं होती, नहीं हार्ट में बोन प्रजेंट नहीं, हार्ट में बोन प्रजेंट नहीं होती है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि किसके रूप में कार्य करता है? पंप के रूप में कार्य करता है। पंप के रूप में कैसे कार्य करता है कि हार्ट है वो लगातार, जैसे कि पंप होता है, हवा डालते हैं, हवा वाला पंप होता है, हवा तभी डलती है जब उसको लगातार खींचते हैं, दबाते हैं। उसी प्रकार से हार्ट है वो लगातार एक पंप के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसको पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन करना होता है। रक्त जो हार्ट है वो कहाँ उपस्थित होता है? हार्ट की जो प्रेजेंस है वो वक्ष गुहा में होती है। हार्ट वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। वक्ष गुहा में जो दोनों लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट की प्रेजेंस होती है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो आकार होता है, आकार की मैं बात करूं तो हार्ट का आकार, जैसे आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद करने के बाद में आपकी मुट्ठी का जितना आकार होता है उतना ही आकार हार्ट ऑर्गन का होता है। यानी कि मनुष्य की मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का इसकी क्या होता है, जितनी मुट्ठी का आकार होता है उतना ही हार्ट का आकार होता है। हार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे इस हिसाब से होती है, जैसे मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे हार्ट की है वो स्ट्रक्चर होती है। कोई भी ऑर्गन या कोई भी जो चीज होती है उसके नीचे वाले भाग को बेस कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को अपेक्स कहा जाता है। लेकिन हार्ट के संदर्भ में, रेफरेंस में उल्टा होता है, क्योंकि हार्ट वाला ऊपर वाला जो भाग होता है, देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला भाग है ये थोड़ा सा ऐसे है, तिकोना है ना। हार्ट वाला ऊपर वाला भाग होता है ये बेस कहलाता है, बेस कहलाता है, क्योंकि ये भाग चौड़ा होता है, और नीचे वाला जो भाग है वो अपेक्स कहलाता है, नीचे वाला भाग पतला होता है, अपेक्स कहलाता है। जैसे कि लंग्स भी अपना चारों ओर का आवरण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, उसी प्रकार से हार्ट भी अपने चारों ओर एक आवरण प्रजेंट होता है, जिसे पेरिटोनियम आवरण कहते हैं। पेरिटोनियम आवरण ये भी दो टाइप का होता है, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये पेरिटोनियम आवरण इस पे प्रजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ पे आपके दिमाग में, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम क्या हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोनों अगर साथ में मिक्स हो जाए तो क्या होगा? तो ये पूरी मैकेनिज्म ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इससे बचाए रखने के लिए, इससे बचाए रखने के लिए हार्ट है
किससे बचाए रखने के लिए, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये दोनों मिक्स ना हो जाए, ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसे बचाने के लिए हार्ट है वो किस में बटा हुआ होता है, हार्ट है वो चार भागों में बटा हुआ होता है, चार भागों में, चार कोष्ठकों में, फोर चेम्बर में, चार कोष्ठकों में हार्ट है वो बटा हुआ होता है। कौन कौन से चार कोष्ठ होते हैं? होते हैं दो ऊपर वाले, यानी दो ऊपर वाले चेम्बर, एंड दो होते हैं नीचे वाले चेम्बर, दो होते हैं नीचे वाले कोष्ठक, नीचे वाले कोष्ठक। आपको मैं सिंपलेस्ट तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाके नहीं पढ़ते तो वो समझ में नहीं आता है, इसलिए बिटवीन द एनसीईआरटी की जो है वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन का जो दे रखी है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, और बिटवीन द एनसीईआरटी जाकर इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या दे रखा है, क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो दो ऊपर वाले, जो दो ऊपर वाले कोष्ठक प्रेजेंट होते हैं और दो नीचे वाले कोष्ठक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हार्ट में कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक मैं रफली डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि ये हार्ट होता है, इस हार्ट में दो चेम्बर हैं वो नीचे होते हैं, दो चेम्बर हैं वो ऊपर होते हैं, दो चेम्बर नीचे होते हैं और दो चेम्बर हैं, जैसे कि मान लीजिए ये चार चेम्बर हो गए, ये दो वाले चेम्बर ऊपर वाले चेम्बर हो गए, दो नीचे वाले चेम्बर हो गए। बोले मैम क्या दो ऊपर वाले चेम्बर भी आपस में बटे हुए होते हैं? बिल्कुल, ऊपर वाले चेम्बर भी आपस में बटे हुए होते हैं, जिसे दायां आलिंद और बायां आलिंद कहा जाता है। दायां आलिंद और बायां आलिंद कहा जाता है ऊपर वाले दोनों चेम्बरों को, और नीचे वाले होते हैं इन्हें कहा जाता है दायां नीले एंड बायां नीले, यानी कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस डायग्राम में कौन सा भाग राइट होगा, कौन सा भाग लेफ्ट होगा, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस ओर लिख रही हूँ मैं, आप अपनी रेफरेंस में अपने ऊपर लेके देखिएगा, अपने ऊपर हार्ट के हार्ट को पोजीशन करके आप समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बोर्ड पे डिनोट कर रही हूँ, बोर्ड का मुँह आपकी ओर है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला भाग होगा राइट एट्रियम दायां आलिंद और ये वाला भाग होगा बायां आलिंद। ये वाला भाग जो नीचे वाला चेम्बर है वो भी आपस में बटा हुआ होता है, और ये होता है दायां वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ऑल राइट, अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको? तो ऊपर वाले कोष्ठक नीचे वाले कोष्ठक भी बटे हुए थे। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मैम कैसे डिसाइड करें, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा दायां आलिंद, हार्ट का जो दायां वाला भाग ये है, बायां वाला भाग ये है। देखिए, आप इसे एक ही बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, अपने हाथ को लेकर, अपने हाथ की जो पोजीशन होगी वो आपका दायां वाला हार्ट का भाग होगा। यानी कि मैं बात करूँ मेरी, तो मेरा ये वाला हाथ है ये राइट हैंडेड है, ये वाला हाथ है लेफ्ट हैंडेड है। तो यहाँ पे जो हार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे मान लीजिए ये हार्ट प्रेजेंट है, तो इस हार्ट का ये वाला जो ये हार्ट है, इस हार्ट के ये वाला भाग होगा मेरा राइट वाला भाग, यानी ये दायां आलिंद हो जाएगा और ये दायां नीले हो जाएगा, ये बायां आलिंद हो जाएगा, ये बायां नीले हो जाएगा। अब बोले मैम कि राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कैसे डिसाइड, ये तो डिसाइड जन्म से ही है, ऑलरेडी हमें यही सिखाया जाता है, क्योंकि इस चीज़ का मुझे भी नहीं मालूम है कि इस दाएं भाग को, इसको ही दाएं भाग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन बायोलिट्रिकल सिमेट्री होती है, ह्यूमन में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जैसे इधर वाला भाग होता है वैसे ही इधर वाला भाग होता है। अब इस बाएं हाथ को दायां क्यों नहीं बोला जा रहा, इस दाएं को बायां क्यों नहीं बोला जा रहा, इसको ही दायां क्यों नाम दिया गया, ऐसा
तो मेरे को भी नहीं मालूम है कि मैं आपको बताऊं, बट जो अपन जन्म लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि बेटा दाएं हाथ से ये काम करो, फिर हमारा माइंडसेट यही हो जाता है कि हमारा दाएं हाथ ये बाएं हाथ ये, और आने वाली जनरेशन को उस हिसाब से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। तो पूरी वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल ट्रूथ नियम है। तो हाँ, कहाँ चल रहे थे, इस हिसाब से राइट और लेफ्ट का है वो पता लगाते हैं। अब आपके एक चीज़ एक एक क्वेश्चन ये आता है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि किस भाग में, हार्ट के किस भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हार्ट के किस भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और किस भाग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कहने का मतलब है कि जो हार्ट होगा उसका जो दायां वाला भाग होगा, हार्ट के दायें वाले भाग में, दायां वाला भाग होगा, दायां भाग हार्ट का दायां भाग होगा, उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है आपको, हार्ट के दायें वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है और हार्ट का जो बायां भाग होता है, बायां भाग में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त है वो बहता है। कैसे बहता है उसकी मैकेनिज्म में भी डिस्कस करेंगे। हार्ट का दायां भाग कौन सा हो गया, हार्ट का दायां भाग हो गया आपका, हार्ट का दायां भाग हो गया आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और हार्ट का बायां भाग कौन सा हो गया, आपका बायां भाग हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला भाग हो गया दायां बायां वाला भाग और ये हो गया दायां भाग। यानी जो दायां भाग होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, बाएं भाग में है वो प्योर ब्लड होता है। अब एक चीज़ आती है, एक ड्रम आती है वेना केवा की। वेना केवा क्या होता है, वेना केवा क्या होता है, महाशिरा क्या होता है, महाशिरा होता है, वेना केवा किसको कहते हैं, कौन सी वेसल्स होती हैं, महाशिरा है इसका काम होता है। ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इनके बारे में, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। ऐसी वेसल्स जो कि, देखिए मैंने बताया था शिरा में कौन सा ब्लड बहेगा, शिरा में अशुद्ध ब्लड का परिवहन होगा, क्या होगा, हार्ट से, जैसे कि ये लंग्स है, यहाँ पे ये लंग्स प्रेजेंट है, ये लंग्स प्रेजेंट है, ये हार्ट हो गया, हार्ट एक्चुअल में लंग्स के बीच में उपस्थित होता है, लेकिन मैं यहाँ पोजीशन कर रही हूँ इसकी, और ये मान लीजिए शरीर का भाग हो गया है ना, नीचे कर देते हैं शरीर का भाग, शरीर का भाग। ओके, अब होता ये है कि जो हार्ट है, वेना केवा क्या काम करती है, आपको स्पष्ट है कि सीरा में वेन्स में इम्प्योर ब्लड का परिवहन होता है, अशुद्ध ब्लड का परिवहन होता है। अब शरीर के भाग है, यानी शरीर में तो अशुद्ध ब्लड जाने का रहा, अब आपको पता है कि शरीर में ही क्या बनता है, अशुद्ध ब्लड का निर्माण होता है। अब इस अशुद्ध ब्लड को, शरीर में जो इम्प्योर रक्त का जो निर्माण हुआ है, इसको कहाँ लेकर जाएगी, शरीर के भाग से आपका दाएं आलिंद में लेकर जाने वाली जो वेसल्स होती है, इसे कहते हैं वेना केवा। यानी जो महाशिरा होती है, ये रक्त को कहाँ से लेकर जाती है, शरीर के विभिन्न भाग से, शरीर के भाग से लेकर जाती है राइट एट्रियम में। मैंने बताया था कि राइट एट्रियम में अशुद्ध ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए राइट एट्रियम में ही लेकर जाएगी वेना केवा। यानी कि इसमें इसमें तो प्योर ब्लड होगा, तो ऑप्शन ही नहीं होता कि इसमें लेकर चली जाएगी, और शरीर के भाग से इम्प्योर ब्लड जाएगा। अब प्योर होगा लंग्स में, लेकिन वो डायरेक्टली लंग्स में नहीं लेकर जाती है, उसके लिए दूसरी होती है जिसे पल्मोनरी जो है यूज में लिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये होती है वेना केवा। एक दूसरी जो है वो आपकी वेन्स होती है, और उसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी
वेंस, दूसरी वेंस होती है पल्मोनरी वेंस, उसको कहा जाता है पल्मोनरी वेंस होती है फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेंस होती है फुफ्फुसीय सिरा। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि पल्मोनरी जिसकी भी आगे जुड़ जाता है, यानी चाहे आर्टरी हो या वेंस हो, उसके विपरीत उसका काम हो जाता है। एक चीज़ तो यहाँ से आपको रटना नहीं है, समझना है, पल्मोनरी नाम दिया हुआ है, फुफ्फुस नाम दिया हुआ है, लंग्स नाम दिया हुआ है, यानी कि ऐसी वेसल्स जो कि लंग से रिलेटेड होगी, लंग से रिलेटेड होगी। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये क्लियर हो गया है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा, यानी ये लंग से तो रिलेटेड होगी, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करना है कि क्या इसमें प्योर ब्लड होगा या इम्प्योर ब्लड होगा। तो इसमें प्योर ब्लड होगा, यानी शुद्ध रक्त होगा। अब ये यहाँ से तो ये जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इम्प्योर ब्लड होता है, ओके, यहाँ पे तो इम्प्योर ब्लड होता है जो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। अब होगा कि ये लंग्स हैं, इन लंग्स से जो ब्लड है, इन लंग्स से ब्लड है ये लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि ये क्या हो गई, ये तो हो गई महासिरा, ये हो गई महासिरा, ये क्या हो गई, ये हो गई पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन हो गई। यानी कि पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, पल्मोनरी वेन काम करती है, पल्मोनरी वेन का काम होता है कि लंग से जो प्योर ब्लड होता है उसको कहाँ पे लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में लेकर आती है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है, रटना नहीं है। जैसे ही महासिरा फुफ्फुसीय सिरा नाम आ जाए, पहले तो ये दिमाग में रखना है फुफ्फुसीय है, इट मीन्स लंग्स और हार्ट से रिलेटेड है, ओके। दूसरा है लंग से रिलेटेड ही रख लेना, लंग से रिलेटेड। दूसरा ये है, क्योंकि ऑब्वियसली बात होगी हार्ट से और लंग से ही कनेक्शन होगा, डायरेक्ट शरीर के विभिन्न भागों से लंग से कनेक्शन नहीं होगा, बीच में हार्ट आएगा। दूसरा ये रखना है कि वेन तो दिया हुआ है, सिरा तो दिया हुआ है, लेकिन इससे आगे फुफ्फुसी नाम जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी जानते हैं कि सिरा में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी फुफ्फुसी नाम आगे जुड़ गया, इसका मतलब शुद्ध रक्त होगा। अब शुद्ध रक्त होगा, लंग से रिलेटेड है, शुद्ध रक्त सिर्फ इसमें ही आ सकता है, लेफ्ट एट्रियम में ही आ सकता है, क्योंकि पहले इसमें आएगा, डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, इससे इसमें आएगा और इससे इसमें आएगा, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता, ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है। और ये जो कंट्रोल करता है, इनके बीच में कपाट प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा इनका जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल होता है। कौन से कपाट प्रेजेंट होते हैं, कपाट प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल है वो प्रेजेंट होता है। अब ट्राइकस्पिड वॉल है वो किस में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है इनके बीच में, राइट एट्रियम के बीच में, लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जैसे ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल है ये आपके दाएं वाले भाग में उपस्थित होंगे, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। एक दूसरा वॉल प्रेजेंट होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। बाइकस्पिड वॉल कहाँ उपस्थित होता है, जस्ट इसके अपोजिट, लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में जो है वो, बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं। कपाट क्या काम करते हैं, कपाट काम करते हैं जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ रहा है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, इसको विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ये कपाट का काम होता है, यानी वाल्व का काम होता है। दूसरी एक चीज़ है, जैसे कि वेना केवा पल्मोनरी वेंस के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही एक आती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है फुफ्फुसीय धमनी,
फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करेगी? अब आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट रखना है कि पहले से जानते हैं, पहले से ये डिस्कस कर रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है कि धमनी में क्या होगा, धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन इसके आगे जुड़ गया है पल्मोनरी, इसका मतलब इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। अब अशुद्ध रक्त बहेगा लेकिन पल्मोनरी नाम है, इसका मतलब ये लंग से रिलेटेड होगी। अब लंग से तो हृदय में आने का रहा, क्योंकि लंग से तो शुद्ध होकर ही आता है। लंग्स में जब रक्त जाता है, फेफड़ों में जब ब्लड जाता है तो वो अशुद्ध जाता है, और लंग्स है वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वो उसको शुद्ध करके भेजते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ से लेकर जाएगी, जो दाएं आलिंद से दाएं नीले में जो ब्लड आया है, इस ब्लड को लंग्स में लेकर जाएगी। इस ब्लड को लंग्स में लेकर कौन जाएगी? ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहेगा? पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त का फ्लो होगा, और ये ब्लड को लेकर जाएगी, जो आपका दायां वेंट्रिकल है ये लंग्स को लेकर जाएगी। दाएं वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड का परिवहन है वो पल्मोनरी आर्टरी से होगा। उसके बाद में एक आता है एरोटा, यानी महाधमनी। महाधमनी है, ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। महाधमनी क्या काम करेगी? महाधमनी, धमनी का मतलब है, धमनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि धमनी में प्योर ब्लड ही बहता है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त इसमें आया, इसमें आ गया, इससे यहाँ चला गया, यहाँ से ब्लड जो शुद्ध रक्त बना यहाँ आ गया। अब यहाँ से ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और अब महाधमनी क्या काम करेगी? जो इसमें ब्लड आ चुका है इसको शरीर के विभिन्न भागों से लेकर कौन आएगा? इसको विभिन्न भागों से लेकर आएगा एरोटा। एरोटा महाधमनी है, यानी कि रक्त को महाधमनी में कैसा रक्त बहेगा? महाधमनी में प्योर शुद्ध रक्त बहेगा, और ये आता है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त लेकर आती है। एक चीज़ है कि जो ये एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनके बीच में कपाट प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसके बारे में बताया था, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, उसी हिसाब से पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में कपाट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सेमी लूनर कपाट कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है अर्ध लूनर, यानी चंद्राकार, यानी अर्ध चंद्राकार कपाट है वो। चांद की आधी आकृति होती है, उसके समान जो वाल प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है सेमी लूनर कपाट। ये आपकी हुई हार्ट की स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल करेक्टर है वो याद रखने हैं कि ये पैसी ये अंग होता है, और ये पंप के रूप में कार्य करता है, कहाँ उपस्थित होता है, और इसके ऊपर कौन सा आवरण है वो प्रेजेंट होता है। इसके चार कोष्ठक होते हैं, दो ऊपर वाले कोष्ठक भी आपस में बटे हुए होते हैं, दो नीचे वाले कोष्ठक भी आपस में बटे हुए होते हैं। इनमें एक आ जाती है वेना केवा, एक पल्मोनरी वेन आ जाती है, दूसरी आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। इन चारों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, ब्लड कहाँ से कहाँ तक जाता है इन चारों के बेसिस पे ही डिपेंड है। अब आगे मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसकी, कि रक्त है वो कैसे जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिल्कुल आपको उसका आंसर है वो मिलेगा। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि जो हार्ट है वो कैसे कार्य करता है। हार्ट का जो है वर्क है, वर्क को तो अपन को पता ही है कि हार्ट क्या काम करता है, प्रिवेंट का काम करता है, और ये कैसे संपन्न करता है, इसके विभिन्न स्टेप हैं। हार्ट है कैसे काम करता है, इसके विभिन्न है वो स्टेप हैं कि हार्ट कैसे काम करता है। अलग अलग स्टेप में इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अलग अलग स्टेप हैं इसकी।
सबसे पहले जो स्टेप आते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि सबसे पहले स्टेप आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। मान लीजिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड रुधिर का, ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर का, रुधिर का परिवहन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर का परिवहन कैसे हो रहा है। अब आपको एक चीज़ है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ आएगा, सबसे पहले जो लंग्स है, लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, लंग्स से हार्ट में आएगा और हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग में जाएगा, शरीर के भागों में जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। स्टेप में ये होता है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में दाएं आलिंद में रक्त आता है तो क्या होता है, दाएं आलिंद में आता है तो सबसे पहले जो बाएं आलिंद में जब रक्त आता है, बाएं वाले भाग में रक्त आता है तो इसमें क्या होता है कि ये फैलता है, यानी शिथिल होता है, यानी रक्त अभी ये पूरा हुआ नहीं है। होता यह सबसे पहले कि जैसे ही पल्मोनरी वेंस के द्वारा, फुफ्फुसी सिरा के द्वारा फेफड़ों से हार्ट में जो रक्त आएगा, इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो सबसे पहले जो बायां आलिंद होगा वो फैलेगा। फैलने का मतलब यहाँ पे ये रखो कि बायां आलिंद है वो शिथिल होगा, यानी कि शिथिल कब होगा, जब वो फेफड़ों से रक्त है वो आ रहा है, फेफड़ों से रक्त है वो किस में आ रहा है, बाएं आलिंद में रक्त आ रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इसका क्या होगा, शिथिलन होगा, यानी ये फैलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये क्या हो चुका है, बायां आलिंद ये भर चुका है, इसमें रक्त आ चुका है, सेकंड ये पोजीशन होगी। अब इसमें रक्त आ चुका है, बायां आलिंद रक्त से भर चुका है, यानी कि अब क्या होगा, दो स्टेप साथ में होगी, यानी कि बायां आलिंद क्या होगा, बायां आलिंद संकुचित होगा, बायां आलिंद क्या होगा, संकुचित होगा। और इसके साथ साथ में क्या होगा, इसके साथ साथ में यानी पैरेलल पोजीशन में क्या होगी कि जो बायां नीले होगा ना, वो बायां नीले संकुचित होगा, वो शिथिल होगा, यानी उनमें शिथिलन होगा। यानी कैसे, क्योंकि जब मैंने बताया जब शिथिल होगा, जब फैलता है तो वो रक्त को प्राप्त करता है, और जब संकुचित होगा यानी कि ये जब बायां आलिंद जब संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इन कपाट ये खुल जाएंगे, कपाट खुलेंगे, ये संकुचित होगा, इट मीन्स क्या कर रहा है, ये फैल रहा है, क्योंकि इसको तो रक्त लेना है, इसको तो ब्लड लेना है, तो ये संकुचित होगा तो ये वाला फैलेगा। तो बायां आलिंद जब संकुचित होगा, इसके साथ साथ में स्टेप होगी जो कि बायां नीले है वो फैलेगा, शिथिल होगा। बायां नीले में अब ब्लड आ चुका है, ये ब्लड है वो भर चुका है, ये कपाट वापस से बंद हो जाएंगे, जो कि बाइकस्पिड वहाँ यहाँ पे कपाट प्रेजेंट होते हैं। कपाट बंद हो जाने के बाद में ये पूरा भर जाता है, देन क्या होता है, अब क्या होगा, फोर्थ पोजीशन ये होगी, जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, अब इसके भाग में, शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त जाएगा, इट मीन्स जो बायां नीले है वो संकुचित होगा, संकुचित होगा। अब क्या होगा, आपको पता है जब बायां नीले संकुचित होगा, इट मीन्स शरीर के जो विभिन्न भागों में रक्त जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, एरोटा लेके जा रहा है, यानी महाधमनी लेके जा रही है, महाधमनी क्या होगी, शिथिल होगी, तभी क्या जाए होगा, बायां नीले संकुचित होगा और रक्त है वो उसमें चला जाएगा। ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन। सेकेंड आपकी कंडीशन आती है, सेकेंड कंडीशन कौन सी आती है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, CO2 युक्त जो रक्त होता है उसका कैसे परिवहन होता है, हालांकि ये मैकेनिज्म है वो इतनी फास्टली होती है,
साथ साथ में ऐसे लगता है कि बिल्कुल साथ साथ में हो रही है, लेकिन इनको समझने के तरीके से अलग अलग स्ट्रीम में इनको डिनोट करने की आवश्यकता होती है, वरना समझ में नहीं आती है। तो CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, CO2 युक्त रक्त होगा, वो कैसे किस प्रकार से हार्ट से आकर वो लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए। तो ये जो हार्ट लंग्स से हार्ट में गया, शरीर के विभिन्न भागों में गया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा शरीर के विभिन्न भाग से वापिस आएगा लंग्स में, और लंग्स से कहाँ जाएगा, किसमें वापिस आएगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में। ध्यान दीजिए कि लंग्स से डायरेक्ट शरीर के विभिन्न भागों में रक्त नहीं जा सकता, शरीर के विभिन्न भागों से डायरेक्ट है फेफड़ों में ब्लड है वो नहीं जा सकता। होगा ये कि सबसे पहले सिचुएशन ये होगी, सबसे पहले इसमें सिचुएशन होगी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ब्लड का परिवहन होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शरीर के विभिन्न भागों से दाएं आलिंद में ब्लड जाता है, और वो जाता है महाशिरा के द्वारा, यानी कि जब दाया आलिंद सिकुड़ता है, दाया आलिंद जब शिथिल होता है यानी फैलता है, दाया आलिंद जब शिथिल होता है तब क्या होता है, सबसे पहले दाया आलिंद इसमें शिथिल होगा, यानी कि ब्लड है वो सिरा से इसमें आ रहा है, सिरा से इसमें ब्लड आएगा, ये फैलेगा, ये शिथिल होगा, जिसके कारण ही ब्लड है वो इसमें आएगा। सेकंड पोजीशन ये होती है कि जब बाया आलिंद है वो संकुचित होता है, यानी अब इसमें ब्लड है वो आ चुका है, ये पूरा भर चुका है, अब इसको नीचे इसका परिवहन करना होता है, परिवहन तभी करेगा जब इस पर प्रेशर लगेगा, यानी ये ऐसे है, जब ये ऐसे संकुचित होगा तो नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, ट्राइकस्पिड वाल है वो खुल जाएंगे, यानी इसके समानांतर प्रोसेस होगी कि इस ये जो दाया नीले होगा, दाया नीले क्या होगा, दाया नीले अब क्या होगा, दाया नीले शिथिल होगा, शिथिल होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि एक चीज़ ध्यान में रख लेना, शिथिल होता है, फैलता है, शिथिलन होता है, इसका मतलब हो कि वो रक्त ग्रहण कर रहा है, वो रक्त को ग्रहण कर रहा है, यानी उसको रक्त को लेना है, और जब संकुचित का मतलब होता है कि वो ब्लड को दे रहा है, यानी उसको देना होता है, खुद को खाली होना होता है। दाया नीले शिथिलन होगा, ये प्रोसेस पैरेलल होगी, ये सीटिलर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड इसमें आ जाएगा, कपाट वापस बंद हो जाएंगे। अब क्या होगा कि इसको लंग्स में भेजना है रक्त को, तो दाया नीले क्या होगा, दाया नीले संकुचित होगा, दाया नीले संकुचित होगा, इट मीन्स क्या होगा, दाया नीले संकुचित होगा, एक प्रेशर के साथ में जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड है वो जाएगा, और वो लंग्स से प्योर होने के लिए ब्लड वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये इसकी सारी मैकेनिज्म होती है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है। इसको एक चीज़ में ध्यान में रखना है कि ये जो ये संकोचन और शिथिलन की ये प्रोसेस होती है ना, ये इसमें जैसे कि ये हार्ट से यहाँ पे क्या जाएगा, हार्ट से है वो लंग्स में ब्लड है वो चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा, बाया आलिंद संकुचित होगा, तो जो हार्ट से ब्लड है वो शरीर के विभिन्न भाग, शरीर के भाग में चला जाएगा, है ना। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनको आपको जो है वो क्लियर करना है, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि कैसे इसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, इन सब के बारे में। तो शिथिलन का और संकुचन होने का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ये होती है कि जो दो आलिंद होते हैं, आलिंद और नीले होते हैं, इनकी भीती इनकी वोल से भी एक बच्चे कंफ्यूज होते हो जाते हैं कि किसकी वोल मोटी होती है, किसकी वोल पतली होती है। तो नीले की वोल है, वेंट्रिकल की वोल है, वो मोटी भीती होती है। क्यों मोटी भीती होती है, क्योंकि ओबियसली बात है, कॉमन सेंस है कि इसमें शुद्ध रक्त होगा, तो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में जाना है, बॉडी में जाना है, इसलिए प्रेशर के साथ में रक्त है वो जाएगा, इसलिए इसकी जो नीलियों की भीती है वो मोटी भीती होती है, और आलिंद की भीती है वो पतली भीती होती है। अब इसमें दो चीज़ आती हैं, एक दो स्टेज हैं, दो स्टेज हैं वो कंप्लीट होती हैं। पहली स्टेज तो ये होती है कि जब नीले हैं, ऐसा है कि नीले जब संकुचित होते हैं, जब नीले संकुचित होते हैं
पहली स्टेज होती है जब नीले संकुचित होते हैं। नीले संकुचित कब होंगे? जब ये ब्लड है वो इनमें जाएगा, यानी एरोटा में जाएगा, ब्लड एरोटा में जाएगा, पल्मोनरी इसमें जो है वो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, तब नीले संकुचित होंगे। तो एक जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है सिस्टोल, उसे कहा जाता है सिस्टोल। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आलिंद है वो संकुचित होते हैं, आलिंद संकुचित होते हैं, आलिंद संकुचित होते हैं यानी कि कपाट खुलेंगे उस टाइम पे, कपाट है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, कपाट खुलेंगे, आलिंद संकुचित होगा, इट मीन्स क्या होगा, नीले आलिंद संकुचित होंगे यानी कि क्या हो जाएगा, नीले फैलेगा यहाँ पे, नीले शिथिलन की अवस्था में आएगा। और अब क्या होगा कि वो सिचुएशन को, उस अवस्था को कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल यानी कपाट खुलते हैं, बंद होते हैं। तो ये जो सिस्टोल और डायस्टोल होती है, इन सिस्टोल और डायस्टोल को मिलाकर कहा जाता है हार्ट बीट, इसे कहा जाता है हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, इसे कहा जाता है हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। सिस्टोल और अकेले सिस्टोल को नहीं, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को मिलाकर कहा जाता है हृदय की धड़कन। जो डायस्टोल होती है वो सेकंड अवस्था होती है और सिस्टोल होती है वो पहली अवस्था होती है। हृदय की धड़कन है वो कितनी बार होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन में अपन ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक मिनट में 12 से 15 बार होता है, उसी प्रकार से जो हृदय की धड़कन है वो एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य अवस्था में 72, हृदय की धड़कन है वो 72 बार पर मिनट होती है, 72 बार पर मिनट होती है। आप अपनी नाड़ी स्पंद के द्वारा भी इसी चेक कर सकते हो, यहाँ से अंगुली प्रेस करके। हृदय की धड़कन का जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा होते हैं? हृदय की धड़कन का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो शरीर में जो मस्तिष्क में एक केंद्र होता है मेडुला, मेडुला ओब्लोगेटा एक भाग होता है ब्रेन का, उस मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा हृदय की धड़कन का है वो नियंत्रण होता है। हृदय की धड़कन को एक ग्राफी रिकॉर्डिंग के द्वारा, हृदय की धड़कन का ग्राफी रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हृदय की धड़कन का ग्राफी रिकॉर्डिंग होता है, जिसे देखकर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पीक आती हैं ऐसे, है ना, इस हिसाब से इनको देखकर जो डॉक्टर हैं वो देखते हैं कि हृदय की क्या सिचुएशन है, कैसे ये जो है वो हार्ट बीट है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हार्ट के बारे में होता है। एक हृदय की धड़कन को कैसे सुन सकते हैं? हृदय की धड़कन को आपने देखा होगा, सुनने के लिए एक यंत्र यूज में लिया जाता है जिसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज में लिया जाता है, जो कि डॉक्टर का फेवरेट, जो आप बोल सकते हो उनका फेवरेट उपकरण होता है, या अपरेटस उपकरण नहीं बोल सकते, उनका फेवरेट मतलब वो होता है कि डॉक्टर की पहचान ही ये होती है कि गले में स्टेथोस्कोप होता है ना। स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या होता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा जो हृदय की धड़कन है उसको मैग्नीफाई करके, यानी कि उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ को आवर्धित करके, हृदय की धड़कन जो डप ये आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को मैग्नीफाई करने का काम होता है वो स्टेथोस्कोप का होता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है? एक चेस्ट पीस होता है। स्टेथोस्कोप की स्ट्रक्चर में एक चेस्ट पीस होता है और वो किससे जुड़ा हुआ होता है? एक ट्यूब के थ्रू है वो, दो ईयर पीसेज से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे दो ईयर पीसेज होती हैं, यहाँ पे ये ट्यूब होती है और ये होता है चेस्ट पीस और ये होता है ईयर पीस, ये होता है ईयर पीस,
ये तो होता है ईयर पीस जो कानों में लगाए जाते हैं, ये होता है चेस्ट पे, जो चेस्ट पे रखा जाता है, और इनके माध्यम से जो चेस्ट पीस होता है इसमें संवेदनशील जो डायफ्राम है वो प्रेजेंट होता है, और इसकी मदद से जो इसकी सहायता से जो है वो हृदय की धड़कन को मैग्नीफाई करके जो सुना जाता है। ये होता है हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में। इसमें जो संकुचन का शिथिलन का है वो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस है, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा, आ जाएगा, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लड प्रेशर पे, जो कि इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर को कहा जाता है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है, यानी कि रक्त के द्वारा लगने वाला दाब। कितना सिंपल है, यानी रक्त के द्वारा जो लगता है दाब वेसल्स पर। वेसल्स पर क्या आप बोलोगे कि कई कई बुक्स में ऐसे दिया हुआ होता है कि दाब है, रक्त दाब है, वो धमनियों पर लगता है। ऐसी बात नहीं है, सिराओं पे दाब नहीं लगता, ब्लड का दाब सिराओं पे भी लगता है, लेकिन वो उतना नहीं लगता है कि जितना धमनियों पर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि धमनियों में प्योर ब्लड का फ्लो होता है, सिराओं में इनप्योर ब्लड जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि धमनियों के ऊपर, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि वेसल्स के ऊपर स्पेसिफिक करके धमनी बोल सकते हो आपके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिरा पे वो ऑपरेशन नहीं लगता है, लगता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता है सिरा पे। तो धमनी के ऊपर जो रक्त के द्वारा जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब में क्या होता है, कैसे रक्त दाब लगता है, रक्त दाब में दो सिचुएशन आती हैं। एक तो सिचुएशन आती है प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब, और एक आती है एनोसिथिलन, एनोसिथिलन दाब। होता यह है कि जैसे मैंने बताया कि ये दाएं नीले से बाएं नीले से रक्त जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, धमनी के थ्रू थ्रू जा रहा है। तो प्रकुंचन दाब कौन सा दाब होगा, जब नीले संकुचित होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब नीले संकुचित होंगे, कौन सा नीले संकुचित होगा, ये वाला नीले संकुचित होगा। तो नीले के संकुचन के द्वारा जब नीले संकुचित होते हैं उस टाइम पे धमनी पे लगने वाला दाब होता है प्रकुंचन दाब, और जब नीले अनुशीतिलन की अवस्था में आ जाते हैं उस टाइम पे धमनी पे लगने वाला दाब होता है अनुशीतिलन दाब। ये होता है 120 mm Hg होता है पारा, और ये होता है 80 mm Hg, Hg का मतलब होता है पारा, और इसी ब्लड प्रेशर को 120/80 mm Hg है वो लिखा जाता है, 120/80 mm Hg। हृदय का जो ब्लड प्रेशर है वो एक यंत्र होता है जिसे स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर के द्वारा जो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है। कैसे मापा जाता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक पट्टा होता है, उस पट्टे में एक ट्यूब सी लगी हुई होती है जिसे एक कफ बोलते हैं, एक पारा, उसमें पारा ऊपर जाता है नीचे जाता है, देन एक वोल आगे एक रबर का कप लगा हुआ था, उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि अगर ब्लड का दाब है वो 120 mm Hg से उस कप में देखा जाता है इससे ऊपर चला गया है, इट मीन्स क्या हो गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है पेशेंट को। 120 mm Hg से ऊपर चले जाने पर पेशेंट है उसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उच्च रक्तदाब है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, अति तनाव भी इसको कहा जाता है। इसका जो रीजन ये है, रीजन ये होता है कि जो धमनी है उस धमनी में ब्लॉकेज आ जाता है, धमनी में अवरोध आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये धमनी है, इस धमनी में यहाँ पे कोई क्लोट बन गया है, ये क्लोट आ गया, अब क्या होगा, अब ब्लड यहाँ से नहीं जा रहा है तो ब्लड यहाँ से ऊपर जाएगा,
यहाँ से होकर जाएगा तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है, इसे इसकी वजह से धमनी में क्या होता है, धमनी फट भी सकती है और इंटरनल सिक्रेशन भी हो सकता है। सेकंड जो है कि अगर प्रेशर 80 mmHg से नीचे आ जाता है, पारा अगर 80 mmHg से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ये कि लो ब्लड प्रेशर है, कम रक्तदाब है। और इसका जो इसमें क्या होता है, जो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो धमनी है वो धमनी है सुनाई नहीं देती है इसमें। तो ये ब्लड प्रेशर का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे हार्ट की मैकेनिज्म है, हार्ट की स्ट्रक्चर, ये सारी कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कुछ डिजीज़ हैं, 2-3 डिजीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ये लेक्चर, ये टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।